वसवसा तो एक तरफ रह गया, अगर वहां शैतान भी आए तो टिक नहीं सकता, तो भाग जाता है वो, तो भाग जाता है शैतान, भाग जाता है। हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अनु के पास आया था शैतान, हुजूर गौस पाक के पास आया था, आता है पर अल्लाह वालों के पास टिकता टिकता नहीं, आ जाता है टिकता नहीं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अनु ने 40 साल अल्लाह की इबादत की, 40 साल। यहां भी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कैसे जी कैसे कर ली, तो मैंने कहा कुरान पढ़ो, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, वो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए सजदा करते और क्याम करते। तो ये कुरान की नस ने जब बयान कर दिया, तुझे कैसे शक हो गया, तो कुरान की नस बयान कर रही है कि अल्लाह के कुछ बंदे रातें सजदे और क्याम में गुजार देते। हुजूर गौसे आजम ने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई, तो एक दिन आसमान पे ना एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आया, माजल्ला सुम्मा माजल्ला, वो कहने लगा अब्दुल कादर मैं तेरा रब हूं, उसके अंदर से आवाज आई, मैं तेरा रब हूं, तूने बड़ी इबादत कर ली, अब तू बेशक पढ़ बेशक ना पढ़, कई मलंगों को माफ नहीं हो गई माजल्ला का, बेशक पढ़ बेशक ना पढ़, आम इजाजत है। तो हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब आपने ये पढ़ा तो वो सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल कादर आपको कैसे पता चला कि मैं शैतान हूं, तो आप फरमाने लगे पागल मुझे कैसे पता ना चलता, जिस रब ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को नमाज माफ नहीं की उसने अब्दुल कादर को कैसे माफ कर दी, जब हुजूर के लिए ये हुक्म नहीं आया कि महबूब चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वहां तो हुक्म आया कि महबूब तहज्जुद भी पढ़ो, वमिन अल-लैल फतहज्जुद बिही नाफिलतन लक, नफा देगी आपको तहज्जुद भी पढ़े, उनके लिए जब ये हुक्म नहीं तो मेरे लिए कैसे आ गया। अब शैतान था ना, तो उसने फिर एक और चाल चली, ये बाज नहीं आता, हम बाज आ जाते हैं कई दफा, उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, लड़के थक जाते हैं, वो नहीं थकता, वो नई से नई चाल, नई से नई चाल, उसका नया से नया रूप, मिनल जिन्नते वन्नास, जिन्नों में से भी और इंसान, उसके नए से नए रूप होते, उसने एक नया रूप धार लिया, कहने लगा अब्दुल कादर 300 वली मैंने इसी तरह गुमराह किए, आप चूंकि आलिम थे तो आपके इल्म ने आपको बचा लिया। तो गौसे आजम फरमाने लगे नए रूप से आए हो, कहने लगा 300 मैंने गुमराह किए, ये तो आप आलिम थे तो बच गए, आप जानते थे तो बच गए, मैंने 300 गुमराह किए। तो हुजूर गौसे आजम फरमाने लगे फिर गुमराह करने लगे हो, नया रूप धार के, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया है। कई आलिम भी तो गुमराह हो जाते हैं ना, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया है। मेरे भाई मेरे अजीज तरीकत के मुसाफिरों, याद रखो समझ लो इस बात को कि वसवसा आता है, वसवसा दो किस्म के मेहमान आते हैं, दो किस्म के मेहमान, एक मेहमान वो आता है जो आता है तो बंदा तवज्जो नहीं करता, वो खुद कहता है इसने नहीं मेरी तरफ तवज्जो की, वो मेहमान चला जाता है, पता ना आपको, और जिसको बंदा उठ के सीने से लगाए और उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दे वो मेहमान जाता है, वो तो बैठा रहता है, वो तो नहीं जाता, तो वसवसा आता है, जो तो तवज्जो ना करे उसका चला जाता है, और जो सीने से लगा ले सोचने लग जाए गौर करने लग जाए उसका वसवसा बैठ जाता है, उसी के पास रहता है, दोस्ताना कर लेता है, कई दफा तो बिल्कुल मकान ही साथ बना लेता है, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में, क्यों वसवसा आता है, तुझे कैसे आ गया, इसका यकीन कामिल हो उसे वसवसा कैसे आए, जिसकी तवज्जो सीधी हो उसे वसवसा ना छड़, ना छड़ यार दा बूहा, नहीं तो हो जावेगा रोगी, जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बग्याड़ा जोगी, ये तो भाई तू अगर अंदर रहता, सोबत के अंदर रहता, छतरी के नीचे रहता तो फिर वसवसा तुझे कैसे वसवसा आप किस तरह तेरे पास आया, वसवसा उसके पास आता है जो वसवसे की जानिब तवज्जो करता है। बहुत ज्यादा लोगों को बदगुमानी होने लगी है, बहुत ज्यादा वसवसे आने लगे हैं, बहुत ज्यादा ख्याल होने लगा है, बहुत ज्यादा तवज्जो होने लगी है, बड़ी
लोगों का मियार इस तरफ जाए। हर चौथा आदमी आके कहता है बुरे ख्याल आते। क्यों भाई बुरे ख्याल आते, कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से ही आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया? ये कैसे हो गया, मुमकिन कैसे हुआ? अपने आप को समेटे, इन वसवसों से अपने आप को बचाए, इन पर कथित तौर पर कोई तवज्जो न दे। और अगर कभी आ भी जाए, अगर कभी आ भी जाए तो मैंने कहा कि उसको सीने से लगाने की जरूरत, उसको झटक दे, बात खत्म हो गई। आ जाता है वसवसा, बड़ों बड़ों को आ जाता है, वसवसे आया करते हैं, आया जरूर करते हैं, लेकिन जो लोग काबिल होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका तयक्कुन मजबूत होता है, उन लोगों के पास वसवसे हमेशा रहते नहीं। एक अहम बात इस्लाह की जो समझनी बड़ी जरूरी है आपके लिए, बड़ी जरूरी है, आपने ये गौर करना है कि वसवसा आता कहां से है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? नहीं आई होती तो आप बड़ी दूर पहुंच चुके होते हैं। सर्दी बड़ी ज्यादा थी कमरे में, तो कहीं से हवा आ रही थी ठंडी, तो अब ठंड बड़ी लग रही थी, तो बंदे ने फौरन उठ के भला क्या करना होता है, नहीं वो पता नहीं कितों आ रही बारी थी, तो अभी गाली है ना जी, अगर तो खिड़की से आ रही है तो किसको बंद करेंगे, और अगर दरवाजे से आ रही है तो जी, और अगर छोटे बच्चे ने पंखा चला दिया तो जी, चल पंखा रहा है, बंदा सारा दिन दरवाजा बंद करता रहे, समझ ना आपने बात को। आपने उस दरवाजे को बंद करना है जहां से वसवसा। हजरत खुबाब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने आस बिन वाइल के हम मजदूरी की और बड़ी मुशक्कत की, मैंने बड़ी शानदार करके मैंने काम किया दयानतदारी से, वो काफिर था मैं मुसलमान था। आप फरमाते मेरे दिल में शौक था कि पैसे मिलेंगे तो ये मैं खर्च करूंगा, और फलां 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 जगह मैंने पैसे लगाने। बच्चों को भी बताया होता है आदमी ने कि पैसे आते हैं तो तुम्हें फलां फलां चीज भी लेकर के दूंगा। अब मुझे बतलाइए कि अगर उस दिन पैसे न मिले या किसी वजह से डूब जाए तो कितनी अजियत का और कर्म का मसला होता है। फरमाते जब मैंने मजदूरी कर ली, काम मुकम्मल कर लिया, और मैं उसके घर गया, मैंने कहा तेरा काम मुकम्मल हो गया? उसने कहा मैंने देख लिया। तो मैंने कहा मेरे पैसे दे दो, ये देखो ये वो ईमान है जिसके बारे में रब ने कहा वाइजा की लहुम आमीन कमा आमनन नास, इस तरह का ईमान लाओ। हजरत खुबाब कहते हैं मैंने कहा पैसे, कहते बड़ा आदमी था ना, नवाब था, सेठ था, चौधरी था, पावरफुल था, तो कुर्सी पर बैठकर हंसने लगा, कहने लगा पैसे तो मिल सकते हैं पर थोड़ा सा मसला है। वो क्या? माजल्ला सुम्मा माजल्ला नकले कुफर कुफर न बाशर। कहने लगा अगर आप कलमा पढ़ना छोड़ दें तो पैसे दूंगा, वरना ये पैसे नहीं मिलेंगे। हम ये कह तो देते हैं कि सहाबा ने सब कुछ लुटाया, लेकिन जरा अपने पर और मेरे ऊपर इस बात को लागू कीजिएगा कि आपने मेहनत की हो, कमर दुखती हो, हाथों में छाले हो, और फिर वो रकम जिसकी बड़ी जरूरत हो वो रोक दी जाए, तो ये दावे करना नारे लगाना काम तो आसान है, लेकिन उस जगह अपने आप को खड़ा करें। वो रकम तो तब मिलेगी, तुम तो कलमा पढ़ते हो, तुम्हें कैसे दे दें? यानी उनकी मजदूरियां दबा ली जाती, उनकी तनख्वाहें छुपा ली जाती। कहने लगा वो तब दूंगा। आप यकीन करें बड़े खूबसूरत जुमले हैं। हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, उसने बड़े एतमाद से बात की कि नहीं दूंगा। उसका ख्याल था कि ये लड़खड़ाएगा, ये पछताएगा। कहते मैंने भी रुमाल उठाया और कंधे पे रखा। मैंने उसे कहा यार तूने मेरे ईमान की बड़ी थोड़ी कीमत लगाई है, तेरा ये ख्याल है कि मैं इतने से पैसों पर लड़खड़ा जाऊंगा? हजरत खुबाब फरमाते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, वो मेरे सारे पैसे दबा गया, ना मेरे दिल में जरा सी रंजश आई, ना मेरे चेहरे पे जरा सा बल आया, पेशानी पे बल भी नहीं आया। और फरमाते हैं कि मुझे ना मजा आने लगा, मुझे लुत्फ आने लगा, मुझे जायका मिलने लगा। मैंने कहा ओहो, मैं तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या पता था कि मेरी ये मजदूरी भी मदीने वाले की गुलामी में लिखी जा रही है। तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या खबर हो कि वहां लिखी जा रही है।
حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرا اپنی اما سے بڑا پیار تھا اور زمانہ جانتا تھا کہ بڑا پیار ہے. میں نے کلمہ پڑھ لیا, میری اما نے بھوک ہڑتال کر دی. اس نے کہا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے معاذ اللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گی. تھوڑی سی آبادی تھی, برادری میں رہتا تھا, بڑا سا گھر تھا, زمانہ جانتا تھا. فرماتے ہر چوک میں میری باتیں ہونے لگی. تیسرا دن ہو گیا اما نے روٹی نہیں کھائی. آپ اندازہ کر لیں کہ شام کو افطار کے وقت کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی, کھانا نہ ملے تو. اور تیسرا دن ہو گیا اور بوڑھی اما ہر چوک میں بات ہو رہی, اور سعد کی اما اور میری ماں کو بھی پتا تھا کہ میں جہاں چاہوں گی مجھ سے محبت کرتا ہے یا وہاں آئے گا. آپ فرماتے ہیں ہر چوک میں بات ہونے لگی, ہر جگہ لوگ ذکر کرنے لگے, باتیں چھڑ گئیں, میری ہی باتیں, میرے ہی تذکرے, میرے بارے میں ہی لوگوں کا ذکر. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, میں گھر آیا, میرے بہن بھائی بھی مجھ سے کہیں اماں مر جائے گی, میرے والد بھی, میرے دیگر لوگ بھی, سب رشتے دار میرے گرد. آپ, میں نے کہا کہ ہم باتیں کر دیتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں کہ جب ہر آدمی اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ میں بھائی تو خرابی کر رہا ہے اور اتنے سارے لوگ جاننے والے گھیرا کریں گے تو آدمی کیسے بچائے گا اپنے آپ. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے گرد شدید گھیرا تنگ ہو گیا. اور مکے کا دور ہے, حالات اتنے خطرناک ہیں کہ سنبھلتے. آپ فرماتے ہیں جب حد ہو گئی تو میں نے کہا اماں سنو پھر میری بات, میں تم سے بات کرنے لگا. کہتے ہیں میرے بہن بھائیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے, اما بھی سہارا لے کے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ لگتا ہے کہ برف پگھلنے لگی, لگتا ہے کچھ نرم ہوا ہے. فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا ہوا اور تھوڑے بہت لوگ جو وہاں موجود تھے وہ بھی قریب آ گئے. میں نے کہا اماں تیرا اور میرا پیار زمانہ جانتا ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ میں وہ بیٹا ہوں کہ جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. اماں ہر چوک میں تیری میری باتیں ہوئی, ان تین دنوں میں تجھے اور مجھے ڈسکس کیا گیا. اماں تو بڑی کمزور ہو گئی, اٹھ کے تجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں, بہنوں نے رو کے دکھایا, بھائیوں نے محبت یاد کرائی, ہر چیز میرے آڑے آئی. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا ہے, میرے ایمان نے ایک وقت بھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیا کہ میں اماں کو منا لوں. فرمانے لگے اماں یہ زمانہ سارا موجود ہے اور لوگ کھڑے ہیں, تیری ایک جان ہے نا, ایک جان اماں تیری ایک جان ہے. اگر تیری ایک ہزار بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری جانیں تیری نکل جاتی تو پھر بھی میں اپنے مدینے والے محبوب کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. تیری مرضی ہے تو روٹی کھا, چاہے بھوک ہڑتال کر, تو اٹھ کے بیٹھ جائے لیٹی رہے. ایک ہزار جان بھی ہو, ایک ایک کر کے نکل جائے تو ایمان پر سودے بازی ہو سکتی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ نعرہ لگا کے نا, نعرہ مستانہ لگا کے, یہ نعرہ لگا کے تو چلے گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے, آپ باہر نکلے تو اما اٹھ کے بیٹھی, کہنے لگی روٹی لاؤ بھائی. انہوں نے کہا اما جی بھوک ہڑتال بس. کہنے لگی میرا ہی تو بیٹا ہے نا, میں نے پیدا کیا, میں نے پالا, میں رگ رگ سے واقف ہوں, میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا, میں جیسے چلاتی تھی ویسے چلتا تھا. اس نے کہا تھا نا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے. فرمانے لگی کہ میں جانتی ہوں, مجھے پتہ ہے میرا بیٹا ہے, میری گود میں پلا بڑا ہے, میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا, لیکن اگر میرے سے بڑھ کر بھی کسی سے پیار کرنے لگا ہے تو کچا نہیں کرنے لگا, یہ سچا ہی کرنے لگا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے قریب لے جا کے ام القرآن ایک بستی تھی, انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے, انہوں نے مجھے وہاں جا کے بیچ دیا. میں شہزادہ ناز و نام میں پلا, وہ مجھے مارتے, مجھ سے کام لیتے. کہتے ہیں میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں پر مدینہ تو آ جائے نا, حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا. حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں
उस यहूदी का चचा बेटा, उसका चचा जाद भाई, उसका कजन बनू कुरैजा यहूदियों के महल्ले से आया। मुझे उसने काम काज करते देखा, खेती बाड़ी करते देखा, तो कहने लगा, तवज्जो है आपकी, जाग रहे हैं आप लोग, मेरी बात की समझ आ रही है। कहते हैं, कहने लगा, गुलाम बेचोगे, मुझे दे दो। कहते हैं, उसने कहा तू चार दिनार नफा दे तू ले ले। कहते उसने चार दिनार नफा लिया और मुझे बांध लिया ऊंट की पुश्त पे, हाथ मेरे बांध लिए, पैर बांध लिए। मैं रोने लगा, मैं तड़पने लगा। कहते हैं अचानक बनू कुरैज़ा मदीने का एक मोहल्ला था, यहाँ यहूदी रहते थे। कहते हैं वहां का वो रहने वाला शख्स, अचानक मेरी आंख खुली तो ठंडी ठंडी हवाएं, अचानक मैंने आंखें खोली तो खजूरों के लंबे चौड़े दरख्त, फरमाया मैंने देखा तो पहाड़ियां भी मुअत्तर मुअत्तर सी, फिजाएं भी करम करम वाली, अता ही अता। कहते दो आंसू गिरे और मैं हंस पड़ा, आंखों में आंसू, लबों पे मुस्कुराहट। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने कहते हैं, वो कहने लगा तुझे क्या हुआ, सारे रस्ते तो बुत था, अब क्या हुआ? मैंने कहा मेरी थकावटें ही उतर गई हैं, मेरी रियाजतों का सवाब मिल गया है, मेरी इबादतों का अजर, फलहुम अजरहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मुझे गोहरे मुराद मिल गया। कहते हैं उसने मुझे वहां रखा, काम काज कराने लगा। वक्त गुजरता गया, एक दिन खजूरों ऊपर चढ़ के मैं खजूरें तोड़ रहा था, मस्त था, थोड़ी थोड़ी अरबी मैंने सीख ली, हल्की फुल्की बातें समझने लगा, जवाब देने लगा, फारसी नस्ल था। कहते मैं खजूरें तोड़ रहा था, मेरे मालक का भाई दौड़ा दौड़ा आया, तवज्जो है आपकी, आया आगे कहने लगा, भाई पता है तुझे क्या हुआ है, पता? कहते मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, ये रोज ऐसी बातें, पता है ताजा खबर क्या है, क्या हुआ? कहने लगे, वो जिसने दावा किया था ना नबुव्वत का, वो मदीने आ गया है। वो जिन्होंने दावा किया था ना नबुव्वत का, वो मदीने आ गए हैं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, जो खजूरें मैं तोड़ रहा था वो मेरे हाथ से गिर गई, यूं लगा कि जैसे किसी ने आके ना किसी ने आके कहा हो कि चल तुझे हुजूर ने बुलाया है। फरमाते मेरे हाथ कांपने लगे। वो कहने लगा, किधर है वो? कहने लगा, वो वादी कुबा है ना, आज भी जाके कोई देखे कुबा का माहौल, आज भी जाके कोई देखे कुबा का माहौल, ताला अल बदरु अलैना की सदा आती है, ताला अल बदरु अलैना की सदा, कि हम हैं बच्चियां नज्जार के, वो नन्नी बच्चियां जो बैठ कर वहां दफ बजाती थी, रसूले पाक की जानिब इशारे करके गाती थी, कि हम हैं बच्चियां नज्जार के, आली घराने की खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, हम हैं बच्चियां नज्जार के, आली घराने की खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। हजरत सलमान फारसी कहते कबाब, कहते मैं झट से छलांग लगा के उतरा, पहले मैं आया करता था पकड़ पकड़ के, छलांग लगाई जमीन पे, और मैंने अपने मालिक से कहा ये क्या कह रहा है? कहते उसने थप्पड़ मारा, चल अपना काम कर। कहते पहले वो मारता था तो दुख होता था, आज पता ही नहीं चला। हमारे जहाज में एक बाबा जी बैठे थे, जहाज में बुजुर्ग बैठे थे, उनसे किसी ने कहा थक तो नहीं गए? कहने लगे मेरी 11वीं हाजरी है, थक बड़ा गया हूं, पर जब गुंबद पे नजर पड़ती है थकावटें उतर जाती है, कोई थकावट नहीं रहती। हजरत सलमान फारसी कहते उसने मारा, कोई पता नहीं चला। मैं इंतजार करने लगा कि जरा दिन जल्दी नहीं डाल जाता, शाम जल्दी हो। कहते शाम हुई, छुट्टी मिली, खजूरें पल्लू में बांध ली और कुबा की जानब खरामा खरामा झुकी हुई नजरें, कांपते हुए मेरे लब, और मैं जब पहुंचा, कहते खजूर के दरख्त के नीचे हुजूर बैठे हैं, बाई जानब चिराग जल रहा है और दाई जानब सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे हैं। फरमाते मैं पहुंचा, पहली नजर हुजूर के चेहरे पे, झुकी हुई नजरें, नूर से ज्यादा रोशनी यहां से छेन रही है। फरमाते लगता है चांद भी शर्मा शर्मा के पीछे हट रहा है। सादा सा लिबास, खुशबुओं ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। फरमाते हैं यूं नजर पड़ी
तो यूं लगा जैसे ये तो मुझे सदियों से जानते हैं, सदियों से कौन फाया कौन अजय कल दी गल ले असा पहलो प्रीत रलाई। फरमाया लगा ये पहले से जानते। फरमाते हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया आइए आइए। इतने जुमले फरमाते मैं बैठ गया, खजूरे निकाल के दी और मैंने कहा हुजूर सदके किए। फरमाते चूंकि निशानियां बताई थी ना, दो निशानियां ये थी कि सदका नहीं खाएंगे, दूसरी निशानी तोहफा ले लेंगे, तीसरी निशानी के कमर के पीछे मोर नबुवत होगी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला ने फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, खजूरें पेश की, का हुजूर सदके किए। हुजूर ने मेरी तरफ देखा तो मुस्कुराए और बड़ा खोल के मुस्कुराए। फरमाया अबू बकर लोगों में बांट दो। फरमाते चेहरा मेरी तरफ है, बातें अबू बकर से हो रही है, समझाया तो मुझे जा रहा है ना। कहा अबू बकर लोगों में, तुम्हें पता भी है मैं सदका नहीं लेता। कहते एक निशानी पूरी हो गई, दूध का प्याला आया, एक घूंट मुस्तफा ने लगाया, बाकी सारा ही मुझे अता फरमा दिया। फरमाते मौजे लग गई, मेरी मौजे ही लग गई। सारी रात तो नींद नहीं आई लज्जत में, और अगला सारा दिन नींद नहीं आई शाम के इंतजार में। कहते फिर शाम हुई, फिर पल्लू में खजूरें बांधी, फिर खरामा खरामा चल पड़ा। फरमाते सारे मिल मिल के जा चुके हैं, पता नहीं हुजूर किसका इंतजार कर रहे हैं। सारे जा चुके, शाम हो गई, मैं पहुंचा, बैठा सामने, मेरे मुस्तफा ने देखा, फरमाया आइए। मैंने खजूरें खोली निकाली, मैंने कहा हुजूर तोहफा है। फरमाते हुजूर खोल के मुस्कुराए, गोया हुजूर मेरी सवाल का जवाब दे रहे हो कि मुझे पता है तू क्या कर रहा है। खोल के मुस्कुराए, खजूर निकाली, खाई, दूसरी भी खाई, तीसरी भी खाई। फरमाते मुझे याद नहीं 10 खाई के 11 खाई। मेरा लाया तोहफा हुजूर ने इस्तेमाल फरमाया। फरमाते मेरा जी ना करे आने को, दिल ना करे, लेकिन मजबूरी थी, गुलाम था, लौट आया, लौट आया वापस। अगले दिन हुजूर आ गए जहां आज मस्जिद नबवी है, जहां आज मस्जिद नबवी है, जन्नतुल बकी, जहां कब्रिस्तान है, वहां हुजूर बैठे। फरमाते मैं शाम को चला तो दिल में ख्याल आया मोरे नबुवत कैसे देखूंगा, दो निशानियां तो पूरी हो गई, तीसरी क्या है? सारे बोले। फरमाते हैं वो है दो कंधों के दरमियान, कैसे जुर्रत करूंगा कि हुजूर दिखाएं, कैसे कहूंगा कि सोने या मोर देखनी है। कहते हैं फिर दुआएं करने लगा दिल ही दिल में, या अल्लाह हवा चला दे, दिल ही दिल में ना हवा चला दे मौला, और हुजूर की कमीज मुबारक कट जाए, मैं मोर देख लूं। कभी दिल में ख्याल आया कोई सियाबी आके कहे हुजूर कमर को हाथ लगाने को दिल करता है, कभी ख्याल आया कि हुजूर खारिश करने के लिए ही जरा दस्ते मुबारक पीछे करें, कोई तो बात बने। फरमाते सारे रस्ते में मंसूबा बंदी करते आया, लेकिन क्या खबर थी मुझे कि सारी बातें तो मुस्तफा के पास पहले से मौजूद होती हैं। फरमाते मैं गया, तवज्जो है साथियों, कहते मैं गया हुजूर के सामने बैठने लगा, हुजूर ने फरमाया सलमान पीछे आ, ये तेरी जगह नहीं, तू पीछे आ। फरमाते मैं वहां से उठा, पीछे गया, जैसे ही मैं पीछे गया हुजूर ने कमीज पकड़ी, मोरे नबुवत उठाई, मैंने खोल के देखा, खोल के चूमा, खोल के प्यार किया, फिर हुजूर ने बाजू थामा, फरमाया बस भी कर, बस भी कर। फरमाया नबी करीब के कदमों में सर रखा और मैं फूट फूट के रोया। मैंने कहा सोनिया मेरी हयात का अफसाना पूछने वालों, कहीं कहीं से ये किस्सा पढ़ा ना जाएगा। सोनिया मैं इस्फहान से चला तो शाम आया, आका मैं शाम से चला तो मूसल पहुंचा, मूसल से नसीबान आया, वहां से मैं तमूरी आया हुजूर, फिर मैं बिका, मैंने किसी के जानवरों को चारा डाला, किसी के घर में सफाई करी, किसी के जूते साफ किए, किसी के कपड़े धोए, बेक बेक के आया हूँ, बेक बेक के पहुंचा हूँ, मुझे जम के कदम चूमने दे हुजूर, मुझे आज जी भर के ज़ियारते करने दे। फरमाते हुजूर ने उठाया, और जब मेरे रसूल ने मेरा माथा चूमा, हुजूर ने जब मेरी पेशानी पे बोसा दिया, तो फरमाते हैं फिर मैंने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। फरमाते हैं फिर मैं जानू और हुजूर, लोगों की चीखें निकल गई, लोग रो पड़े। एक बुजुर्ग उठे, कहने लगे उमर
जब से सलमान आया है यतीम बच्चियों ने कहना शुरू कर दिया है कोई हमें यतीम ना कहे। जब से सलमान आया है भूखों ने कहना शुरू कर दिया है कोई हमें भूखा ना कहे। जब से सलमान आया है बेआसरा लोगों ने कहना शुरू कर दिया है अब हमारे पास बहुत बड़ा आसरा है। जब से सलमान आया है बेघरों को घर मिल गए हैं। कहा वो लाचार बीमार जिनके करीब कोई नहीं जाता था सलमान उन्हें पास बिठा लेता है। खुदारा हमारा गवर्नर ना बदलिएगा। हजरत सलमान फारसी खड़े हो गए कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया हूं अब मेरे अंदर ताकतें नहीं रही। खुदारा कभी ऐसा हुआ है कोई हुक्मरान जाए तो लोग रोएं? रो रो के लोगों ने कहा खुदारा हमारा गवर्नर ना बदला जाए। हजरत उस्मान ने कहा मुझे माफ कर दो मैं ऐसे आदमी का नाम पेश करता हूं जो मुझसे भी बेहतर है। कौन? कहा मैं हजरत साद बिन अबी वकास का नाम गवर्नर के लिए पेश करता हूं। हजरत अब वो लोग पता क्या कहने लगे मदाइन के कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है हमें वो गवर्नर मंजूर है पर हमारी एक शर्त है हम उनकी गवर्नरी तब कबूल करेंगे जब आप मुस्तकिल रिहायश मदाइन में रखेंगे। हम आपको यहां रहने नहीं देंगे आपको वहीं रहना पड़ेगा। इतनी मोहब्बतें इतना प्यार। हजरत सलमान ने कहा नहीं मैं तो आखिरी वक्त मुस्तफा के मदीने में गुजारूंगा मैं तो हुजूर के शहर मुकद्दस में अपना वक्त गुजारूंगा मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग इतना रोए कि हजरत फारूक आजम भी रो पड़े। फरमाया ऐ सलमान आप वापस चले जाएं इन लोगों का खुलूस आपकी मोहब्बत से बहुत ज्यादा है आप जाइए। हजरत सलमान फारसी मदायन आ गए जनाब साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला नो गवर्नर बन गए। तीन लोगों के साथ हमेशा था हजरत अबू दरदा तो विशाल कर गए तीन लोगों से यराना रहा एक हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से एक हजरत साद बिन अबी वकास से चूंकि वो पास थे और तीसरा अक्सर टाइम निकाल के मदीने जाते थे। किस लिए आए हो? कहा एक तो रोजा रसूल की जियारत करने आया हूं और दूसरा मैं इमाम हसन से मिलने आया हूं। सारी जिंदगी नबी पाक के नवासों के पास आते बात कोई ना करते जिक्र कोई ना करते हुजूर के शहजादों के पास आते इमाम हसन से हाथ मिलाते इमाम हसन का चेहरा देखते रहते आंसू बहाते रहते कितनी देर खड़े रहते इमाम हसन की जियारत करते वापस चले जाते। जब बूढ़े हो गए ज्यादा कमजोरी आई तो हजरत साद बिन अबी वकास को पैगाम दिया कहा किसी तरीके मदीने पैगाम भेजिए और इमाम हसन से कहिए मैं आपके नाना का नौकर हूं ताकत नहीं रही अब चल के मदीने आ सकूं। उम्र मुझे पाबंद कर गए थे कि मैंने हजरत उस्मान का दौर आ गया कि मैंने अब मदाइन में ही वक्त गुजारना है अगर हो सके तो आखिरी बार एक बार मुझे आके मिल तो जाए। इमाम हसन आते हैं तो मुझे लगता है जलवाए मुस्तफ़ा की जियारत हो गई है। हजरत साद बिन अबी वकास ने पैगाम भेजा इमाम हसन वहां से चले मदाइन आए। जैसे ही इमाम हसन दरवाजे से दाखिल हुए बूढ़े हजरत सलमान फारसी बूढ़े नकाहत इतनी कि उठा नहीं जाता इमाम हसन आए तो हजरत सलमान फारसी ने रोना शुरू कर दिया तड़पना शुरू कर दिया उठना चाहा तो बिस्तर पे गिर गए। इमाम हसन करीब आए चारपाई पे बैठे तो हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे हुजूर मैं बड़ा परेशान हूँ मेरे लिए दुआ करे। इमाम हसन कहने लगे मैं जवान हूँ आप बूढ़े हैं दुआ आपको करनी चाहिए। कहा नहीं आपसे दुआ इसलिए कर रहा हूँ कि आपके नाना से जो वादे किए थे मैं पूरे नहीं कर सका आप दुआ करें कि मैं हुजूर की बारगाह में जाऊं तो मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम हसन कहने लगे वादा क्या किया था क्या नहीं पूरा कर सके? अर्ज की हुजूर नबी करीम ने फरमाया था उतना माल पास रखना जितना मुसाफिर के पास होता है ये हुजूर ने मुझसे कहा था मैं वादा पूरा नहीं कर सका देखिए मेरे घर में कितना माल है कितना सरमाया है। इमाम हसन कहते हैं मैंने माल देखा तो एक मटका पानी पीने का दो प्याले पानी पीने के एक मशकीजा एक चटाई वो भी टूटी हुई। फरमाते हैं मैंने कुल माल का हिसाब लगाया तो मैंने कहा हुजूर ये तो 15 दिनार से ज्यादा नहीं बनेगा रो क्यों रहे हैं? कहने लगे इमाम हसन से अजीब जुमले हैं अजीब जुमले हैं। कहने लगे तबकात इब्ने साद में कहने लगे अच्छा
अगर कयामत के दिन रसूल पाक ने मेरी सरजनश फरमाई और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए तो ऐ सैयदा फातिमा के शहजादे आप सिफारिश तो करेंगे ना मेरी, आप मेरी सिफारिश तो करेंगे हुजूर की बारगाह में। हजरत साद बिन अबी वकास भी आए, रोना शुरू हो गए, कहा हाँ मुझे उम्मीद है कि आपकी सरजनश नहीं होगी, आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत मिलेगी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने वसीयत फरमाई, तवज्जो है आपकी। लोग कहते हैं तुमने आज ये इश्क के तराने ढूंढ लिए हैं, पता नहीं कहां से ले आए हो। वसीयत फरमाई इमाम हसन को, आने लगे हुजूर मैं पुराना नौकर हूं और मैंने अपनी नौकरी करने की कोशिश की है, अब मैं बचूंगा नहीं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी ख्वाहिश है कि सैयदा फातिमा का बेटा मेरा जनाजा पड़ा है। आज नहीं, ये आज नहीं, बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े जनाजा। इमाम हसन ने जनाजा पढ़ाया और हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हो उनके करीब गए, कहने लगे जाते जाते को नसीहत ही कर जाए, तो फरमाया तीन चीजों का ख्याल रखना, एक रवायत में चार है, तीन का ख्याल रखना, या तो जिहाद के रस्ते में इंतकाल कर जाना, या जिहाद के रस्ते में इंतकाल कर जाना, या हज और उमरे के रस्ते में मर जाना। ये ना हो सके तो कुरान सीखते सिखाते दुनिया से रुखसत हो जाना। फरमाया या जिहाद के रस्ते में जाना, हजरत सलमान फारसी वसीयत कर रहे हैं, ये वसीयत याद रखिएगा, या जिहाद के रस्ते में इंतकाल करना, या हज और उमरे के रस्ते में, ये ना हो सके तो कुरान सीखते सिखाते जाना, उम्मीद है अल्लाह बेहिसाबो किताब जन्नत अता फरमा देगा। ये वसीयत फरमाई। जनाब सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु विशाल कर गए, अजीब सन्नाटा है, मदीने से नूर की जमात आ रही है जनाजा पढ़ने, नूर की जमात आ रही है, नूर की। हजरत उस्मान खनी खुद चल के जनाजे में शरीक हुए और सहाबा कहते हैं सफेद दाढ़ी हजरत उस्मान की, इमाम हसन के पीछे नमाज जनाजा पढ़ा और पढ़ के फिर उनकी मैयत के करीब हजरत उस्मान गनी गए, पहले तो सबर का पहाड़ थे और जब करीब गए और जा करके माथा चूमा और फिर जब सैयदना उस्मान गनी उठे तो मुकद्दस दाढ़ी से आंसू गिरने लगे, कहने लगे सलमान मैंने अपनी आंखों से मुस्तफ़ा को तेरा माथा चूमते देखा है, सलमान मैंने अपनी आंखों से हुजूर को तुझसे प्यार करते देखा है। फरमाया लोगो आज सलमान रुखसत नहीं हुआ, हमसे इल्म रुखसत हुआ है, हिकमत रुखसत हुई है, हुजूर का महबूब रुखसत हुआ है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु का विशाल के बाद एक दिन विशाल से पहले हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम से कहने लगे जो हम दो दोस्तों में से पहले जाएगा वापस आके हाल बताएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहने लगे वापसी की इजाजत मिलेगी? कहा हाँ, जो अल्लाह के नाफरमान होंगे उनकी रूहें कैद होंगी, जो अल्लाह के फरमा बरदार होंगे जहां चाहेंगे जाएं आएंगे। हजरत सलमान फारसी विशाल कर गए, जनाब अब्दुल्ला इब्ने सलाम को मिले, फरमाया बताइए खुदा ने आपके साथ क्या सलूक किया? तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे रब ने फरमाया फरिश्तों सलमान से हिसाब ना पूछ लेना, फरिश्तों सलमान से हिसाब ना पूछ लेना, इसलिए कि सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु का आलम यह है कि इनके दिल ने हमेशा मेरी जात पे भरोसा किया, हमेशा मेरे ऊपर भरोसा करके रखा है, लिहाजा मैं मुझसे कोई हिसाब नहीं लिया गया और बगैर हिसाब किताब मेरी बख्शिश। चल कदे खुदाया नाजर है मेरे पल्ले ना पर है मेरे बल्ले, नाजर है मेरे पल्ले ना पर है मेरे बल्ले, पर तेरी रहमत दी है ओ बल्ले बल्ले, पर तेरी रहमत दी है ओ बल्ले बल्ले, ले चल
مدد خدایا سرکار دے بوہے تے